देखो तो इसको, सोते वक्त कितनी भोली लगती, जैसे कोई परी चाटा ऐसा मारा है। तारा सिंह की पोती कलाई घोट देना चीज कर तू। क्या कर रहे हो तुम? बहुत सर दर्द हो रहा है। सर दुख रहा है डार्लिंग। चक्कर क्यों आ रहे इतने? चक्कर तो आएंगे ही ना, कल गन्ने का जूस नहीं पिया था, शराब थी वो, और इस हालत को हैंगओवर कहते हैं। लेट हो गया एक तो। दुनिया रुक गई होगी ना, तुमने दो चार लोग के दांत जो साफ नहीं किए सुबह सुबह जाकर। स्ट्रेस मत लो, मम्मी ने रूही को रेडी कर दिया, तुम है ना अपना हुलिया सुधार। जिस हालत में तुम हो ना, तुमसे तो टिश्यू पेपर तक नहीं उठेगा। ये लो भाई ना, उतनी पहाड़ के नीचे बड़ा लेक्चर देती थी, हालत देखो इसकी। बहुत मजा आ रहा है मुझे देख के। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे क्या कर रही हो? मुझसे ना डॉक्टर ने कहा था कि हैंगओवर के वक्त टैबलेट लेने से नुकसान होता है। तुम ही तो थी वो डॉक्टर, अपनी कई बात भूल गई, याद आया? एक काम करो, अपनी डॉक्टरी वापस अपनी बैग में ठूसो और नींबू पानी पी लो, शायद तुम्हारी हालत सुधर जाए। क्या वन लाइनर्स मार रहा है, वो तो होश भी नहीं है। अम्मा, सुबह से इशिता नजर नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है उसकी? रिकवरी मूड पे, हैंगओवर चल रहा है उसका, रात की उतरी नहीं अब तक। किसने दिया उसे ड्रिंक? मैंने ब्लेम ना दो जी, मैंने थोड़ी दी है, तुहानू तो चंगा पला पता ही है, मैं अपनी वाली थोड़ी किसी को देती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ईशिमा। गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत लेट सो के उठी हूँ। एक्चुअली तबीयत अच्छी नहीं है, मैं जाके नींबू पानी बना रही हूँ। हाँ हाँ बना ले बना ले, उसमें थोड़ी चीनी भी डाल देना, आज सारा दिन उसी तुझे ठीक रखना है। ईशिमा आपने लोडेड पिया, वो क्या होता है? टेस्टी होता है, अच्छा होता है। रोहित आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, ये भी वही वाली कोल्ड ड्रिंक है, बस ज्यादा ठंडी होती है इसीलिए लोडेड कहलाती है। हाँ पुत्र, वो सिर्फ बड़े लोग ही पीते, बड़ों का ड्रिंक है वो। दादी जो आप हर रोज शाम को दादू के लिए ले जाती है, वो ही ना? चुप, नोटी बोटी रोटी चपाती। पटाखा है पटाखा। रमन पुत्र, ए तेरे गाल पे क्या होया, ऐसे लाल क्यों हो रहा है? ये माँ एक जंगली बिल्ली ने पंजा मारा है। बिल्ली ने? ओए केड़ी बिल्ली ने? मजाक करो, शेव करते वक्त रैश हो गया होगा छोटा सा। रमन एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेना। इशिता इसे एंटीसेप्टिक क्रीम दे देना। जी। थप्पड़ भी यही मारेगी और दवाई भी यही देगी, बढ़िया है। और अमन रूही का ना वो पेरेंट्स डे वाला दिन आने वाला है, अब भूलना नहीं। अच्छा तुम दोनों ने जाना है। वाह आप लोग दोनों आएंगे।
आपके मम्मी पापा दोनों आएंगे, प्रॉमिस। वाओ, आज तो आपकी दाढ़ी चुभ नहीं रही है, एकदम साफ साफ है। ईशु, नमस्कारम। आइए आइए। माय ओनली ईशु को देखने के लिए आई। ईशु जी अम्मा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? I'm good, अम्मा। तुमको क्या हो गया था? कुछ नहीं अम्मा, I'm good। एडे क्या है? नहीं नहीं। तो सर क्यों पकड़ा? अरे का कवल रहा है रे के ईशु। अम्मा बीपी आई तो नहीं है? रात की उतरी नहीं है, हैंगओवर में है बेचारी। उतरी नहीं? अयो ईशु, तुमने कुछ पिया था क्या? ओ जी कुछ नहीं पिया जी, रमन ते एवं उसे छेड़ रहा है। वैसे भी मद्रासी तो थोड़ा कोला भी ज्यादा पी ले ना तो चढ़ जाती है शु सिद्धि दिमाग में। भैया अम्मा, गाइस तुम कराना, मैं तुम्हारे लिए खरेड़ राइस बनाती, सब तकलीफ दूर हो जाएगी। अच्छा यू रिलैक्स अम्मा, अब जाओ, मैं आ जाऊंगी। मैं जाती। ठीक, नमस्ते। बाय बाय रुई। बाय पार्टी। ईशु, टेक केयर। डोंट वरी अम्मा, यू गो। बाय। ये, अरे ये पानी चला गया। ये, आओ, आओ, आओ। अरे कोई है बाहर? रिंकी, मम्मा, अरे कोई है? भाई देखो टैबलेट पे ऑफर चल रहा है। भाई रोमी, आओ, आओ। आज इतनी जल्दी चले गए? अपनी तो किस्मत ही खराब है रोमी। रोमी रोमी यार, मेरे मुंह पे साबुन लगा हुआ है और पानी चला गया, प्लीज पानी ले आ जल्दी। शायद नहा रहे होंगे। अरे कहां, पागल हो गए? पानी लेने में कितना टाइम लगता है? आज उससे कैसे भी सॉरी बोलना है मुझे, मैंने बहुत गलत काम किया है। अरे कितना टाइम लगता है पानी लाने में, कोई जल्दी पानी लाओ यार, साबुन लगा हुआ है बंदे के मुंह पे यार, जल्दी करो यार। है कहां रोमी? कोई दिखे तब तो बाल्टी अंदर पहुंचे। अरे मेरे बाप, दरवाजा खुला है। अरे आंखों पे साबुन है, नहीं दिख रहा है, कहां है पानी? अरे कोई आगे धक्का मारो यार, आंखें बंद। अरे पागल हो गए घर में सब लोग, कहां है पानी? आगे करो ना यार, कहां है? हाँ तो अभी क्या हाथ से छिड़कूं? मग्गा कहां है? एक तो हमारा वॉचमैन कमीना कामचोर, टंकी नहीं भरी होगी उसने, या तो फिर आयर गवार, नलका खुला छोड़ दिया होगा। लेकिन अब तो ससुराल वाले हैं, कुछ बोल भी नहीं सकता उनको। अरे तू मग्गा देना। दे। अरे कहां गया यार तू? अरे देगा। और सुन, टैंकर मंगवा ले, क्योंकि अगर शाम तक पानी नहीं आया ना तो टॉयलेट के लिए भी पानी नहीं बचेगा। अरे काम कर चल। अयो मां, छी, आर यू मैड? तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां
तुम यहाँ क्या कर रही हो पागल? लगी क्या चोट? वो भी आके देख लो फिर। मुझे कोई शौक नहीं है तुमको देखने का। छी, ओ। तो तुम्हें आई क्यों? तुमने बुलाया जब से बोल रहे थे पानी दो पानी दो। अरे मुझे शौक है तुम्हें बुलाने का बाथरूम में। मैंने रोमी को बुलाया था पानी के साथ। रोमी नहीं है यहाँ, मुझे लगा तुमने मुझसे बोला है। तुम्हारे बिना तुम्हारा भी कोई भरोसा नहीं है। पहले थप्पड़ मारती हो फिर मलम लगाती हो। जानबूझ के आई हो बाथरूम में मुझे परेशान करने तुम। You're so ruthless. एक तो मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, तुम्हारे लिए पानी लेकर आई, और मुझे थैंक्स बोलने के बजाय तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। अभी मैं कोई वैसी नहीं हूँ कि तुम यहाँ पे परेशानी में पड़े हो, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ। आई एम नॉट लाइक यू कि लोगों को पार्टी में भी अकेला छोड़ के चले जाएं। छी! अय्या! टॉवल बांधा हुआ है, अब यही खड़ी रहोगी कि नहा लूं शांति से? नहाओ या चिल्लाओ जो करना है करो, बट छी, शेमलेस। ओ प्रांत, बंद करता हूँ वरना फिर आ जाएगी झांसी की रानी। एक्सक्यूज मी, आप अपने डेंटिस्ट को बुलाएंगे प्लीज, मेरे दांत में बहुत दर्द है। तो क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक मेरे दांत की कैप निकल गई है। प्लीज सर, आपका नाम? रमन भल्ला। हम्म, क्या रमन भल्ला? एक मिनट, नहीं नहीं, दो मिनट में भेजो उसे, दो मिनट। रमन यहाँ क्या कर रहा है? आउच, कैसी डेंटिस्ट है, दो दिन हुए कैप लगा और निकल भी गया, बकवास काम करती। अगली बार ना किसी पढ़े लिखे असली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ऐसे तो हमेशा दूसरे डेंटिस्ट के पास जाएंगे, लेकिन आज अचानक दांत दर्द का बहाना बना के मेरे पास आना, कुछ तो बहुत फिशी है। कल रात से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे, कितने मुश्किल से पीछा छुड़ाया, पर आज सुबह तो ठीक हो गए थे ना, फिर अचानक ये दांत दर्द। कहां मर गई झांसी की रानी? एक्सक्यूज मी मिस्टर भल्ला, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक गॉड। मैं पेशेंट को देखूं? पहले भी तो तुमने पेशेंट्स अटेंड किए। मैम वो लेकिन छोटी मोटी क्लीनिंग वगैरह के लिए, पर ये तो कैप फिटिंग का केस है बिना सुपरविजन के। डरो मत, तुम्हें कभी तो असिस्टेंट के लेवल से ऊपर उठना है ना, और मैं यहीं बैठी हूँ, बस मैं इस पेशेंट को अटेंड नहीं करना चाहती। तो मैं पेशेंट को अटेंड कर लूँ? ऑल द बेस्ट। तुम कौन हो? सर मैं वो ट्रेनी। तुम्हारी डॉक्टर कहाँ है? कैप उसने लगाई थी ना, गलती उसकी है, अब ट्रेनी फिक्स करेगी उसको। बुलाओ डॉक्टर को। क्या प्रॉब्लम है? आपको सिर्फ कैप ही फिट कराना है ना, वो कर देगी। तुमसे तो ढंग से हुआ नहीं, दो दिन में कैप निकल गई, अब ये करेगी क्या है ना, अगर लोग दांतों को खाने की जगह दारू की बोतल खोलने के लिए यूज करेंगे तो ऐसे ही होगा। तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। ओके मैम। तुम ना बहुत सेडिस्टिक हो, जानबूझ के मुझे ट्रेनी का हवाले किया ना। ट्रेनी है पर टैलेंटेड है वो, मैं औरों की तरह थोड़ी ना हूँ कि मैं अपने असिस्टेंट्स पे अपने थॉट्स थोपती रहूं पूरे टाइम। उसे चांस की जरूरत थी, मैं दे रही थी। चांस मतलब क्या, मैं बक रहा हूँ? हाँ, मुझ पे एक्सपेरिमेंट करोगे उससे? तुम क्लिनिक में थी ना, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती मुझे अटेंड करने की। वैसे तो बड़ी प्रोफेशनल बनती हो, आज क्या हो गया कि मुझे? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम यहाँ किसी और चीज के लिए आए हो। अरे मुझे क्या, पागल कुत्ते ने काटा है? और ये क्या अम्यूजमेंट पार्क है, घूमने आऊंगा मैं? हाँ तुम्हें क्या लगता है तुमसे मिलने आऊंगा मैं? दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब है? एक तो तुमने कंफ्यूज करके रखा हुआ है मुझे, चिट्ठियों पे चिट्ठियां भेजे जा रहे हो। तुम बताओ तुम्हारा दिमाग क्यों खराब हो रहा है? कौन सी चिट्ठियां, क्या बके जा रही हो, पागल हो गई हो? हाँ हर जगह इतनी सारी चिट्ठियां छोड़ रखी थी, सोच क्या रहे थे आप? आपको याद नहीं है क्या, डिनर टेबल पे जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ मुझे चिट्ठी मिली आपकी। मुझे जो बोलना होगा तुम्हारे मुंह पे बोलूंगा ना, चिट्ठी क्यों लिखूंगा तुमको? पहले तो लाइन मारते रहते हो, ऊपर से फिर बहाने बनाते हो। दौरा पड़ गया पागलपन का इसको, ये हैंडराइटिंग मेरी है ही नहीं। वो किसकी है? मुझे क्या मालूम, ये मिहिर की हैंडराइटिंग। तुम्हारा दिमाग जगह से हिल गया क्या? मैंने ऐसा किया क्या कि तुमसे माफी मांगूंगा? तुम अपने आप को समझती क्या हो? अपने आप को तो पता नहीं, लेकिन औरों को समझ पाती हूँ मैं। एंड आप भी समझने की कोशिश कीजिए, मिहिर ने अगर ये चिट्ठियां लिखी है तो जाहिर सी बात है मिहिका के लिए लिखी है, क्योंकि वो उसकी केयर करता है। तो क्यों आप जबरदस्ती उसे टंडन की बहन से मिलवाना चाहते हैं? बस
अपनी इलॉजिकल थियरीज अपने पास रखो, समझी तुम? इनफ, मैंने मीर को कोई फोर्स नहीं किया है, वो जो कर रहा अपनी मर्जी से कर रहा है। रियली? तो फिर वो क्यों छुप छुप के चिट्ठियां लिख रहा था मीर का के लिए? आज फैसला कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी, कि वो मेरे डर से जा रहा है या अपनी मर्जी से। मीर, आधे घंटे में घर पहुंचो, चलो। रुको, कैप फिट। मैं अपने दांत का दर्द बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी बड़बड़ नहीं, समझी? चलो। तुम्हारी बातें जितनी बुरी है, तुम्हारे दांत का दर्द भी उतना ही बुरा है, मुझे पता है। सो बैठे रहो। चलो। Just stop. बैठे रहो, नहीं तो इंजेक्शन लगा दूंगी। जल्दी करो।